हेलो फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे कहता है कि ये दवाई लो, इसको खाने से आपकी चिंता तुरंत दूर हो जाएगी, तो आप फौरन उस पर विश्वास कर लेंगे, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि चिंता को, एंग्जाइटी को, टेंशन को हम ऐसे चुटकियों में दूर कर सकते हैं, वो भी बिना दवाई के, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात पर यकीन नहीं करें कि चिंता को हम चुटकियों में दूर कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिस्ट एंग्जाइटी को बिना दवाइयों के ही ठीक करते हैं, और साइकोलॉजी में 100 अबव ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि इंस्टेंट वर्क करती हैं। आपकी टेंशन, आपकी एंग्जाइटी, आपकी चिंता तुरंत छूमंतर हो जाएगी। एंड इनफैक्ट साइकोलॉजी में ऐसी टेक्निक्स भी हैं जो एंग्जाइटी को, चिंता को जड़ से ख़त्म करती हैं, और ये सब टेक्निक इतनी आसान होती हैं कि आप अपने आप से, खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी शॉर्ट टर्म टेक्निक्स जिनसे आप तुरंत चुटकियों में अपनी एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं, अपनी चिंता को दूर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लॉन्ग टर्म थेरेपीज़ जो कि आपकी एंग्जाइटी को जड़ से ख़त्म करती हैं, वो भी बिना दवाई के। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम चुटकियों में अपनी एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं। सो फर्स्ट इज डीप ब्रीदिंग। फ्रेंड्स, जब आप लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी में, आपके माइंड में एक रिलैक्सेशन इफेक्ट जनरेट होता है। डीप ब्रीदिंग एक बहुत ही मैजिकल एक्सरसाइज है। जब आप लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो आपको पता है क्या होता है? एक तो आपकी बॉडी में भरपूर ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन तो आप जानते हैं प्राणवायु है। तो ऑक्सीजन जब आपकी बॉडी में जाता है, ब्लड के साथ ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इनफैक्ट पूरे ब्रेन को और सारे ऑर्गन्स को मिलता है। साथ ही डीप ब्रीदिंग हमारी बॉडी में एक रिलैक्सिंग इफेक्ट जनरेट करती है, और ये हमारी कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करती है। कॉर्टिसोल जानते हैं क्या होता है? कॉर्टिसोल होता है स्ट्रेस हार्मोन, जो आपको एंग्जियस बनाता है। जब आप चिंता कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, उसका लेवल हाई हो जाता है। तो जैसे आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं, तो अपने आप आपकी बॉडी में एक रिलैक्सिंग इफेक्ट जनरेट होता है। इससे आपकी जो बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल है वो रिड्यूस होता है, और आप शांति का अनुभव करने लगेंगे। आप इसको करके देखिए, लंबी और गहरी सांसें लीजिए, और ये कहीं भी कर सकते हैं आप, कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप थोड़ा सा परेशान हो, आपको एकदम से घबराहट हो रही हो, टेंशन हो गई हो, किसी भी बात की चिंता हो गई हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। ब्रीथिंग तो करते ही रहते हैं, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। लंबी सांस ले रही है और गहरी सांस ले रही है, धीरे 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 धीरे। तो धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, और फिर धीरे से उसको वापस छोड़ दीजिए। तो आप जैसे ही लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, आपकी टेंशन छूमंतर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एक और मैजिकल टेक्निक, वो है एरोमा, फ्रेग्रेंसेस, खुशबुएं। क्या कभी आपने गौर किया है, जब भी आपके आसपास में भीनी भीनी कोई खुशबुएं होती हैं, आपका एनवायरनमेंट महका महका सा होता है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इनफैक्ट एरोमा एक थेरेपी के फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं, एंड यूजुअली तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि खुशबुएं, यानी कि फ्रेग्रेंसेस भी कुछ हमारे टेंशन और एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में हेल्पफुल हैं। इनफैक्ट ऐसी कुछ फ्रेग्रेंसेस हैं जैसे लेवेंडर है, जैस्मिन है, या फिर पील ऑफ सिट्रस, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, नींबू, संतरा काइंड ऑफ, उनके छिलके में जो एक खुशबू होती है, ये एंटी एंग्जाइटी एंड एंटी डिप्रेसेंट होती है। आप नोटिस करना और आप इसको अप्लाई करना। सो बेसिकली ये जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं, इनमें एंटी एंग्जाइटी एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे मूड को अपलिफ्ट करती हैं। इन फ्रेग्रेंसेस से, इन अरोमा से हमारी सेरोटोनिन लेवल अप होता है। जब हमारी सेरोटोनिन लेवल हाई होता है ना, तो हमको बस बहुत अच्छा लग रहा होता है, हम खुश होते हैं, हमारी पीस ऑफ माइंड स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो चिंता करने वाले लोग हैं ना, उनको तो खासकर ये पता होना चाहिए कि चिंता आपको तभी होती है जब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल रिड्यूस हो जाता है।
बस अगर आप एक चीज़ समझ जाते हैं ना कि आपको सेरोटोनिन लेवल को इनक्रीज़ करना है, और वो सब एक्टिविटीज जिनसे सेरोटोनिन लेवल अप होता है वो आपकी टेंशन को छू मंतर कर देंगी, और उन्हीं में से एक है एरोमा थेरेपी। एंड इसके बाद बात करते हैं अनदर मैजिकल टेक्निक, सिंगिंग। यस, हम सब जानते हैं कि म्यूज़िक में बहुत पावर होती है, म्यूज़िक हम सबको पसंद भी होता है, और लिसनिंग टू म्यूज़िक भी एक थेरेपी होती है। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद ये नहीं पता कि गाना सुनने से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है गाना गाना, गाना गुनगुनाना। क्या आप गाना गाते हैं? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे हमें गाना आता नहीं है। ये सीक्रेट बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि गाना गाने से हमारी एंग्जाइटी, हमारी टेंशन रिड्यूस होती है। जब आप गाना सुनते हैं ना तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप गाना गुनगुनाते हैं, गाते हैं, तो इसके इफ़ेक्ट मल्टीपल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है गाना सुनने से। आप गाना गा के तो देखिए, हो सकता है कि किसी को पसंद नहीं आए, आप बेसुरा गाते हो, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप गाना गुनगुनाते हैं या गाते हैं। तो होता क्या है, जब आप गाना गाते हैं ना तो अगेन आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है ना कॉर्टिसोल, वो रिड्यूस होता है, और ब्रेन को लगता है कि भाई ये तो बहुत इंसान इंजॉय कर रहा है, शायद खुश है, इसीलिए गाना गा रहा है। तो कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस कर दिया जाता है और आप हो जाते हैं खुश। आप किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, इनफैक्ट आपके सामने दुश्मन खड़ा है, आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी है, और आप बोलेंगे ये कोई गाने का समय है, लेकिन आप इसको करके देखिए, ये चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करिए। किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, कितनी भी भयंकर से भयंकर परेशानी में, टेंशन में, उस सिचुएशन में भी अगर आप गाना गुनगुनाने लगते हैं तो फिर इसके मैजिकल इफ़ेक्ट आपको फील होंगे, आपकी टेंशन एकदम छू मंतर हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि गाना अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आप दर्द भरा नगमा गुनगुनाने लगे तो उससे आपको और दर्द होगा ज़्यादा, और इसीलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि कई बार लोगों को सजेस्ट कर दिया कि आप गाना गाइए, और उन्होंने कोई उनका कोई फेवरेट जो सैड सॉन्ग था, क्योंकि उनका ब्रेकअप हुआ था, तो वो गाने लगे तो और भी ज़्यादा दुखी हो गए, और फिर आगे कहते हैं ये लोग आप हार गए, आपने कहा था गाना गाने से अच्छा होगा ये, तो हम तो और दुखी हो गए। तो यहाँ बात पूरी सुन लीजिए, ये है कि गाना अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सूदिंग होना चाहिए, रिलैक्सिंग होना चाहिए, रोमांटिक है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और मोटिवेशनल है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, भजन है तो भी आपको इफेक्टिव होगा। बस कोई सैड सॉन्ग मत गाइए या गुनगुनाइए, क्योंकि सैड सॉन्ग से फिर ब्रेन को फिर अगेन ये मैसेज आएगा कि ये इंसान तो बुरी तरह से परेशान है, बढ़ा दो इसका कॉर्टिसोल लेवल। तो कॉर्टिसोल लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो फिर आपको और टेंशन हो जाएगी। तो पूरी बात ये है कि गाना अच्छा होना चाहिए। एंड इसके बाद बात करते हैं बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक जो आपकी टेंशन को, स्ट्रेस को, चिंता को तुरंत छू मंतर कर देगी, और वो भी सेकंड्स में। जानना चाहते हैं वो क्या है? स्माइल। इनफैक्ट ये तो नंबर वन पे होनी चाहिए, मेरे लिस्ट में तो ये नंबर वन पे रहती है। बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है ना, स्माइल कैसे भाई, स्माइल में क्या कोई टेक्निक है? करके देखिए, एक प्यारी से, एक अच्छी से फुल स्माइल करिए, आप बताइए कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये इतनी इफ़ेक्टिव है और इतना इंस्टेंटली वर्क करती है, और आप जब इसको अप्लाई करेंगे ना तो ये आपकी फेवरेट टेक्निक हो जाएगी। बिकॉज स्माइल करना कितना आसान है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो भी लोग एंग्शियस होते हैं, टेंस होते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं होती है, क्योंकि कोई भी टेंशन करने वाला व्यक्ति जिसको चिंता रहती है वो कभी खुश होता ही नहीं है, दे हार्डली फील हैप्पी। तो ये जो स्माइल है ना, ये उनके लिए, जो लोग टेंशन करते हैं ना उनके लिए एक बहुत बड़ी टेक्निक है। पहले तो उनको एफर्टफुली करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी आप स्माइल कर रहे हैं, बेमनी से स्माइल कर रहे हैं। आप कहेंगे इतनी टेंशन है उसमें स्माइल करने के लिए आप कह रहे हैं, क्या जाता है? एक बार करके देखिए, कितनी भी बड़ी परेशानी है, कितनी भी बड़ी टेंशन है, वो तो है, लेकिन अगर हम स्माइल कर लेते हैं तो इसमें जाता क्या है? आपका फेस है, आपके लिप्स हैं, आपको किसी से परमिशन तो लेनी नहीं है, पैसे तो खर्च करने नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स करने नहीं है। जब आप फ़ोटो खिंचवाते हैं तभी भी तो स्माइल करते हैं ना, तो अच्छी आती है ना फ़ोटो। तो एक बार करके देखिए, पूरी अच्छी स्माइल, फुल स्माइल, और फिर खुद से पूछिए कैसा लग रहा है।
बेटर फील कर रहे हैं ना, दिस इज़ द मैजिक। जब आप स्माइल वेयर करते हैं ना अपने फेस पर, एक तो आप अच्छे दिखते हैं सामने वाले को, चलो सामने आपके कोई भी नहीं है तो अब आपको क्या फ़ायदा होगा, आप अकेले बैठे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, अकेले चिंता कर रहे हैं। मान लीजिए आप चिंता कर रहे हैं और अकेले में ही चिंता कर रहे हैं, और अगर आप स्माइल करके चिंता करेंगे ना, तो पता है आपको क्या फील होगा, आपकी चिंता आपको वहाँ दूर जाती हुई दिखाई देगी। करके देखिए, जब आप स्माइल करते हैं ना, आपके ब्रेन को, आपकी जो फेशियल मसल्स होती है ना, उनसे एक मैसेज जाता है कि पता नहीं इस व्यक्ति को तो बड़ी खुशी है, तो स्माइल करके बैठा हुआ है भाई। तो जैसे ही आप स्माइल करते हैं ना, ब्रेन में आपकी जो मूड स्टेट होती है ना, वो चेंज हो जाती है। पहले जैसे आप रोने वाला फेस बना के चिंता कर रहे थे, अब भी आप चिंता करेंगे, चिंता करने की कोशिश करेंगे, पर चिंता आपके पास भी नहीं आएगी, क्योंकि अब आपने स्माइल बियर कर रखी है। और इसका इफ़ेक्ट, इसके मैजिकल इफ़ेक्ट्स आपको सेकेंड्स में नज़र आएंगे। जब भी आप चिंता करने बैठे ना, तो एक अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं चिंता करूँगा और करूँगी, लेकिन स्माइल के साथ में करूँगी, आपसे चिंता होगी ही नहीं। आप चाहेंगे, लाख कोशिश करेंगे, तो भी चिंता नहीं कर पाएंगे। ये है इसका मैजिक। करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या होता है, स्माइल के साथ चिंता कर सकते हैं क्या? आप स्माइल के साथ कभी चिंता नहीं कर सकते, या तो आप चिंता कर सकते हैं या फिर आप स्माइल कर सकते हैं। और अगर आपने कोशिश कर ली स्माइल करने की, तो फिर चिंता तो भाग जाएगी तुरंत। एंड इसके बाद बात करते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक, और आपके लिए बहुत ही शॉकिंग होगा, और वो है मंचिंग। मंचिंग मतलब कुछ ना कुछ खाते रहिए। अब आपको हंसी आ रही होगी कि खाने से भी एंग्जाइटी दूर होती है। यस, खा कर देखिए, जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इनफैक्ट खाने से संबंधित हमारे जितने भी एक्ट्स होते हैं, खाने को चबाना, खाने को निगलना, ये सब हमको प्लेजर देते हैं। यहाँ तक कि खाने के बारे में सोचने से भी हमें खुशी मिलती है। आप सोच के देखिए अपनी फेवरेट डिश के बारे में, आप सारी टेंशन भूल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, और वो खाने के बारे में सिर्फ सोच भी लेता है ना, तो भी उसकी एंग्जाइटी दूर हो जाती है। सो हालांकि मंचिंग इज़ गुड, ये हमें एंग्जाइटी फ्री करती है, लेकिन एक जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो भी आप खाएं, एक तो बहुत ज़्यादा नहीं खाएं। मंचिंग कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा खाना है। मंचिंग का मतलब ये होता है कि छोटा 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 कुछ कुछ खाते रहना, और जो छोटा छोटा कुछ कुछ आप रखें अपने खाने के लिए, वो हेल्दी होना चाहिए। जैसे कि आप नट्स रख सकते हैं या कुछ फ्रूट्स रख सकते हैं अपने आसपास में, तो जब भी आपको टेंशन हो, एंग्जाइटी हो, आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप जो भी खाएं वो हेल्दी हो। क्योंकि कई बार होता है कि स्ट्रेस के वजह से लोग अपना मील स्किप कर देते हैं, खाना ही नहीं खाते, लंबे समय तक भूखे रहते हैं, या बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, कंफर्ट ईटिंग करते हैं, तो ये दोनों ही कंडीशंस अनहेल्दी हैं। जबकि मंचिंग में साइकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि कुछ कुछ खाते रहें, क्योंकि खाने से आपको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस होती है। प्लस जो खाएं मंचिंग के टाइम पे, वो हेल्दी होना चाहिए। तो कुछ भी ऐसे हेल्दी स्नैक्स रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, नट्स रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं अपने आसपास में अवेलेबल, जिसको जब आप मंचिंग करते हैं तो आपको स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। एंड इसके बाद बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बात जो आपको याद रखनी है कि आपको अपना कैफीन इनटेक रिड्यूस करना है। और अक्सर लोग उल्टा करते हैं, जब टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, तो वो टी या कॉफ़ी पीने बैठ जाते हैं, तो ये टेंशन और एंग्जाइटी बढ़ती है उससे, क्योंकि जो कैफीन होता है वो एक स्टिमुलेंट है, हमें एंग्जियस बनाता है। तो हमेशा याद रखें, अगर आपको टेंशन फ्री रहना है और टेंशन को रिड्यूस करना है, तो अपना कैफीन इनटेक रिड्यूस करना है। आपको अगर लंबे समय तक चिंता करने की बीमारी है, आपको चिंता करने की आदत है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो गौर करिए कि आप दिन भर में कितना कैफीन इनटेक करते हैं, कितने कप टी या कॉफ़ी लेते हैं। अगर आप ज़रूर से ज़्यादा टी कॉफ़ी ले रहे हैं, तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। हालांकि इंडिया में तो पता है क्या होता है कि अगर कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को बोल देता है कि आपको चाय या कॉफ़ी छोड़नी है,
तो लोग डॉक्टर छोड़ देते हैं, डॉक्टर बदल देते हैं, लेकिन चाय या कॉफ़ी नहीं छोड़ते। उनको लगता है कि डॉक्टर फालतू है, बकवास कर रहा है, चाय कॉफ़ी से ही तो हम जिंदा हैं। सो अगर आप भी टी या कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आप उसको तुरंत नहीं छोड़ सकते, तो आप उसका एक बेस सब्स्टिट्यूट है हर्बल टी। हर्बल टी ले सकते हैं या फिर लेमन टी। लेमन टी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और लेमन से याद आ गया मेरे को विटामिन सी। विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एनजाइटी को रिड्यूस करने में। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जो विटामिन सी होता है हमारी एनजाइटी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके माइंड में एक पीसफुल स्टेट जनरेट करता है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं या अदर जो सोर्सेज हैं विटामिन सी के, उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और लेमन टी तो है ही। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको इंस्टेंटली एकदम तुरंत टेंशन फ्री करती हैं, आपकी एंग्जाइटी को, आपकी चिंता को छू मंतर कर देती हैं। एंड ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। ये बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही मैजिकल हैं, दिखने में बड़ी सिंपल लगती हैं, हम शायद इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सचमुच काम करती हैं। आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी टेक्निक आपको बेस्ट रिजल्ट देती है, आपकी कौन सी टेक्निक आपको सबसे जल्दी एंग्जाइटी को ओवरकम करने में हेल्पफुल रही। सो हालांकि ये वो टेक्निक्स हैं जिनसे आप इंस्टेंट तो अच्छा फील करते हैं, आपकी एंग्जाइटी तुरंत दूर हो जाएगी, लेकिन एंग्जाइटी का जो रीज़न है, चिंता का जो कारण है, वो दूर नहीं होगा। तो आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो चिंता को जड़ से दूर करती हैं, यानी कि जो उसका रूट कॉज होगा उसको ही हम उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या कहते हैं उसको, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो चिंता का कारण ही हम जब दूर कर देंगे तो चिंता कैसे होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन टेक्निक्स के बारे में जो आपकी चिंता को जड़ से दूर कर देगी, और वो भी बिना दवाइयों के। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।